आदाब प्रणाम। आइडिया जेनेटिक स्टूडियो के एक और नए फिल्मी एपिसोड में हम आपका दिल इस्तकबाल करते हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदी फिल्मों के मशहूर अदाकार जीवन की। ओमकार नाथ धर 24 अक्टूबर 1915 में कश्मीर में पैदा हुए और 10 जून 1989 में मुंबई में उनका देहांत हुआ। उनके दो बेटे किरण कुमार और भूषण जीवन। भूषण जीवन का देहांत बहुत पहले हो गया और किरण कुमार हिंदी फिल्मों में बहसियत हीरो के आए, फिर गुजराती फिल्मों में काम किया और हिंदी फिल्मों में अपनी दूसरी पारी उन्होंने बतौर विलन की। भूषण जीवन भी कई फिल्मों में अदाकारी कर चुके हैं। वो एक बहुत अहम फिल्म मिस्टर डेविल में काम कर रहे थे। मिस्टर डेविल में उनकी भूमिका डेविल की थी, मगर किसी कारणवश वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। अगर फिल्म रिलीज हो जाती तो उससे भूषण जीवन को बहुत फायदा पहुंचता। जीवन साहब ने अपनी जिंदगी में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने कमोबेश 60 फिल्मों में नारद मुनि का किरदार अदा किया और फिर विलन के तौर पर एस्टैब्लिश हुए। सन 70 से 80 तक का जो दौर है वो दौर जीवन साहब का था, ऐसा कह सकते हैं। बचपन में ही फिल्मों में काम करने का शौक पैदा हो गया। उनका परिवार बहुत बड़ा था। पूरे परिवार में चाचा और ताऊ के परिवार में मिलाकर 24 भाई बहन थे। उनके जन्म के बाद ही उनकी माता जी का देहांत हो गया और बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने अपने पिता को भी खो दिया। ऐसे में उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके दादाजी के सर आ गई। जीवन साहब एक ऐसे परिवार से थे जहां एक्टिंग को वर्जित माना जाता था, इसलिए वो 18 साल की उम्र में घर से भागकर मुंबई आ गए। जब वो मुंबई आए तो उनके जेब में केवल 26 रुपए थे। अपने करियर के शुरुआती दौर में जीवन साहब को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। उन्हें मुंबई में रहने के लिए रुपयों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने स्टूडियो में नौकरी शुरू कर दी। जहां वो नौकरी करते थे वो स्टूडियो मोहनलाल सिन्हा का था। मोहनलाल सिन्हा उस जमाने में जाने माने डायरेक्टर थे। ये वही मोहन सिन्हा हैं जिनकी पोती विद्या सिन्हा बाद में फिल्मों में नजर आईं। जीवन साहब को बतौर रिफ्लेक्टर बॉय काम मिला। उन्हें लकड़ी के टुकड़ों पर चांदी के पेपर को चिपकाने का काम सौंपा गया। हुआ यूं कि एक बार जब उसे कहा गया कि तुम लकड़ी के टुकड़ों पर कागज चिपकाओ चांदी के, और चिपकाने के बाद उन्हें धूप में मत सुखाना बल्कि छांव में सुखाना। ओमकारनाथ नए नए थे, उन्होंने चांदी का कागज चिपकाया और उसे छांव की जगह धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। धूप पूरी तरह फैली नहीं थी। वो बाग में टहल रहे थे, उन्होंने देखा कि एक डायरेक्टर कुछ लड़के और लड़कियों को डायलॉग की रिहर्सल करवा रहा है। ये भी वहीं खड़े हो गए।
उन्हें पता चला कि लड़कों की टोली में एक एक्टर कम है। डायरेक्टर साहब ने इनसे पूछा कि दो चार डायलॉग बोल सकते हो। उन्होंने ड्रामे तो किए हुए थे, फौरन दो चार डायलॉग बोले और उसके बाद कुछ जज्बाती शेर पढ़े। इतने में धूप पूरी तरह फैल चुकी थी। चांदी के कागज पर वो धूप पड़कर ठीक ओमकार नाथ की आंखों में आ रही थी। बाकी लोग दूसरी तरफ खड़े थे और सोच रहे थे कि जज्बाती शायरी करते हुए ये लड़का रो क्यों रहा है, कैसे कोई पहली बार में ही आंसुओं के साथ अभिनय कर सकता है। लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि धूप की चमक चांदी के कागज पर पड़कर ओमकार नाथ की आंखों में पड़ रही है। उस चमक का ये कारनामा है। सभी ने तालियां बजाई और ओमकार नाथ उर्फ जीवन को ब्रेक मिल गया। बकौल जीवन साहब, ये फिल्म बनी थी 1936 में और फिल्म का नाम था फैशनेबल इंडिया। इस फिल्म के बाद जीवन साहब की शोहरत आसमान तक पहुंच गई। 50 के दशक में हर धार्मिक फिल्म में उन्होंने नारद का रोल अदा किया। उनकी फिल्मों में अफसाना, स्टेशन मास्टर, अमर अकबर अंतुनी, धर्मवीर वो यादगार फिल्में हैं जिनमें उनका काम हमेशा सराहा गया है। उन्होंने नागिन, शबनम, हीर रांझा, जॉनी मेरा नाम, कानून, सुरक्षा, लावारिस फिल्मों में भी अहम भूमिकाएं अदा की हैं। वो अपने शुरुआती दौर में जान गए थे कि उनका चेहरा हीरो के लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने विलन के किरदार में किस्मत आजमाई। जीवन साहब की डायलॉग डिलीवरी कमाल की थी। उन्हें जीवन नाम विजय भट्ट ने दिया था। जीवन साहब ने पंजाबी फिल्मों में भी अदाकारी की। जीवन साहब को फोटोग्राफी के अलावा एक्शन, संगीत इसमें भी दिलचस्पी थी और उन्होंने वहां भी कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। जीवन साहब ने अपने बारे में ये शेर कहा था, मेरे कमाल को हरगिज कोई जवाल नहीं, मेरे कमाल को हरगिज कोई जवाल नहीं, कमाल ये है कि मुझमें कोई कमाल नहीं। जीवन साहब एक बाकमाल अदाकार थे। उन जैसा विलन हिंदी फिल्मों में हमेशा याद किया जाता रहेगा। इस एपिसोड के जरिए हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।